मैं तेरी बाय। भाई साहब अभी चाय वाय बना रहे हैं, क्या बोलते हैं, फलक फलक फलक, ये आप बटर और वो नमक डाल के वही वाला है क्या? क्या चाहिए होता है? हिलाने के लिए होता है। अच्छा, जैसे उधर तिब्बतन लोग सोजू बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं वो चाहिए होता है। आपको कैसा लगता है वो? मजा है। म्योर लोगों के अंदर एक ट्रेडिशनल चाय भी होती है, जैसे तिब्बत के लोग बनाते हैं ना, बटर वटर मिला के नमक डाल के और एकदम मस्त दूध, वो मीठी चाय नहीं होती, तो मेयर लोग भी उसी चाय का सेवन करते हैं कभी कभार, ज्यादा नहीं। आजकल जैसे चीजें चेंजेस हुई हैं तो उन्होंने भी मीठी चाय की तरफ शिफ्ट कर लिया है, लेकिन जो पुराना ट्रेडिशन है उसको भूले नहीं है यहाँ के लोग। आपका फेस्टिवल क्या बताया था आपने, वो लाछुर, और आप लोसर भी सेलिब्रेट करते हैं ना? ये आप लोग भी खाते हो याक का मीट? याक तो मिलता नहीं है ना यहाँ पे, खाते आप लोग? छोटी छोटी, जैसे आपने लास्ट वीडियोस में भी देखा होगा कि यहाँ पे नेटवर्क की प्रॉब्लम होने के कारण ज्यादातर लोग वॉकी टॉकी यूज करते हैं। बस थोड़ी देर पहले लाइट आया है, अच्छी बात यह है कि यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम्स होने के बाद लाइट यहाँ पे ठीक ठाक रहती है, लाइट सही रहता है ना। हाइडल है क्या पास में? हाइडल यापक भाई अभी और लकड़ी वकड़ी लेके आ रहे हैं। पर आपने आप नीचे कहाँ तक गए हो? हम दिमापुर तक लास्ट गए। आपने देखा होगा कि नीचे में वो मजे नहीं है जो यहाँ पे है, कि एकदम बीतने मन नहीं लगता यहीं। आप रात को जब सोएंगे तो चैं पैं 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 बहुत ज्यादा, इतना हॉर्न आता होगा, बहुत गर्मी भी है। हाँ, एकदम गंदा गंदा गंद है, कचरा है। हम लोग का यहाँ बहुत सफा है, मैंने तिनसुकिया देखे ना, इतना कचरा है, बहुत ज्यादा सफा करना चाहिए ना। हम गए तो हालत खराब है, हमें यहाँ में तो नेचुरल हवा है, सब कुछ है, बस दिक्कत है पढ़ाई, स्कूल नहीं है, रोड नहीं है और टावर नहीं है। मेन तो पढ़ाई और टावर, बाकी तो क्या है, बाकी तो हो ही जाएगा धीरे धीरे सब कुछ। भाई ने अभी खाना वाना बनाना स्टार्ट कर दिया है, तो आज क्या खिलाएंगे आप हमें? आलू भुजिया। मैं लगभग ऊपर आने से, जब हम रास्ते में आ रहे थे, तो मैंने संजय भाई से ही पूछा था कि भाई साहब यहाँ पे बिजली कड़कती है क्या कभी कभार, तो भाई बोलते हैं कभी कभी कभार कड़कती है, और थोड़ी देर पहले ही बिजली कड़कनी स्टार्ट हो गई। बारिश का आवाज भी सुना दीजिए। मस्त है, बारिश का आवाज तो सुन ही रहा है, आ ही रहा है। तो फिश नहीं खाता आप? खाते आप? थोड़ा पहले आप नाम से दिन को तो हम लोग फिश मार देना चाहते हैं। आप फिशिंग करते हैं ना? ऐसा भी फिशिंग करते हैं, एकदम एक्सपर्ट है हम लोग। जाल मारते हैं, कछुआ होता है, कछुआ जो जैसे कि लुंगी टाइप से, उसको ऐसा मतलब बम्बू में होता है ना, ऐसा पानी में घुसा के हाईलोंग में, हाईलोंग में देखा था एक बंदे के पास, वो क्या करता है, एक लकड़ी लगाएगा, लकड़ी पे बांधेगा, उसको नीचे रखेगा, पत्थर बांध के अंदर फेंक देगा, फिर 2-3 घंटे बाद आएगा तो मछली पकड़ा हुआ मिलेगा उसको। हम तो 2-3 घंटा नहीं रुकते, 1-2 मिनट। इतनी जल्दी? इसका मतलब बहुत मछली है यहाँ पे। सही है यार, हम ऐसे सिंपल बना दिया आपको। बाकी अभी हम संजय भाई से बात कर रहे थे, संजय भाई इधर वॉकी-टॉकी बात कर रहे थे, तो मेरे दिमाग में क्वेश्चन आता कि यार यहाँ पे लोग फ्लर्टिंग कैसे करते हैं वॉकी-टॉकी के ऊपर, तो संजय भाई बता रहे थे कि अपने कोड लैंग्वेज होता है। जैसा कि मान लो अभी हमने खोल दिया, हाँ अभी लाइन में लड़की है, हाँ तो हमने बोला है अपना नंबर में आ जाओ ना, अपना नंबर, हाँ वो मान लो 10 नंबर है, हम फटाफट घुमा दिया 10। अच्छा, फिर आपस में बात करते रहोगे? तो हम फट बात करेगा, उसको बोलेगा यहाँ में मिल नहीं आओ, ऐसा है, अंदर बात करना है, उसके बाद तो आदमी पहुंच ही जाएगा वो तो। उससे पहले हम घुमा के फिर 15 मिनट चला जाएगा, उसके बाद 15 मिनट जाके फिर बात करेगा, मतलब नहीं है, जैसा कि उसको बात ही नहीं किया जैसा, एकदम गायब हो गया। अरे मतलब समझ लीजिए अभी 15 मिनट बात कर रहे हो, बहुत सारे लोग 15 मिनट बात कर रहे हैं, इन्हें भी सुन ले 9 पे आओ, अरे एक दो बाकी के लोग वो भी 9 पे आ गए। नहीं नहीं, हम बोलेंगे ना अपनी अपनी फ्रीक्वेंसी पे आओ, ऐसे नहीं बोलेंगे कि 9 पे आओ, अपनी फ्रीक्वेंसी पे आओ, ये भी सिलेक्टेड है। हाँ, अरे बाबा, लेकिन वो आते आते तक तो बोल देगा ना, अभी मान लो हमने अभी ये दवा दे बोले उसको 9 में आ जाओ, हम तो सब आ जाएंगे, आदमी पहले पहुंच जाएगा। लेकिन अपना जैसा मान लो अपना गर्लफ्रेंड है, बोले हम अपना नंबर में आ जाओ, वो फटाफट घुमा दिया अपना नंबर में आ जाएगा, हम बोलेगा आ रहा है मिलने,
या मिनी आओ वो समझ जाएगा होगा बोलेगा उस टाइम तो हम जाके फिर 15 में घुमा के वैसे ही रख देगा तो भाई हर जगह के अलग अलग चैलेंजेस होते हैं फ्लर्टिंग में। तो भाई अभी यहाँ पे बता रहे थे कि अगर मान लो आपके गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड है या फिर अगर आप किसी से बात बात कर रहे हो तो किस तरीके से वोके टोके के ऊपर बात करनी है वो समझा रहे थे। पहले बोलेंगे एक नॉर्मल फ्रिक्वेंसी पे आएंगे, बोलेंगे अपने नंबर पे आओ, तो सबका कोड लैंग्वेज सबका एक अलग अलग फ्रिक्वेंसी होती है, वहाँ पे आएंगे फिर बोलेंगे चलो अब नीचे आ जाओ वहाँ पे मिलते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे लव स्टोरीज बनती हैं। मतलब कि मोबाइल का नेटवर्क ना होते हुए भी यहाँ पे लव स्टोरी सरवाइव कर रही है वो की टोपी पे। भाई अभी बच्चा है, भाई अभी धीरे धीरे इस लाइन में आ रहा है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि जब तक आप इस लाइन में आओ फोन आ जाए, फिर फोन पे सीधा आ जाओ नीचे मिलते हैं। हमने 19 में शादी किया ना। अब लगभग 8 साल हो गए आपकी शादी को। अरे बाप रे, बच्चे अभी जवान होने वाला हो गया। हम तो 22 साल में शादी किए। नॉर्मल वैसे यहाँ पे शादी का एज होता क्या है? एज नहीं होता, एज नहीं होता यहाँ पे। यहाँ में जब मन कर गया शादी हो जाएगी, मन हो गया, प्यार हो गया, शादी हो गया सर। यहाँ में कोई एक दो साल आप रिलेशन में बैठेगा उसका बड़ा ही शादी। वो इतना टॉर्चर नहीं होता है, शादी कर दिया क्यों कर दिया, ऐसे मारपीट नहीं, ऐसे नहीं है, कर दिया तो कर दिया, अभी गलती तो हो ही जाता है हर इंसान से। जब प्यार किया तो डरना क्या। अरे गाने सुनेंगे अभी, मैंने है ना उस छोटे से स्पीकर के ऊपर गाने वाने चला दिए तो भाइयों के साथ मस्त महफिल बन रही है हमारी। एकदम सब्जी भी एकदम पक रहा है। जान कर बलम जी थामी है तेरी, सहनी पड़ेंगी सबकी, काटो भरी निगाहें, काटो भरी निगाहें। कहाँ मेरे को आज थोड़ी बहुत ये हो रहा था कि यार क्या होगा आज रात को, कहाँ तक पहुँच पाऊंगा कहाँ तक नहीं। यहाँ पे देखो ना यार, आज मुझे संजय भाई और बाकी सारे भाई मिले, मजे आ रहे हैं यार, ये है असली मजे, नेक्स्ट लेवल स्टफ। थोड़ी देर में हमारा जो खाना वो रेडी हो जाएगा। मोहब्बत ने अंगड़ाई ली दिल का सो, तेरा नाम लिया तुझे याद की। तो अभी हम जस्ट 2 मिनट पहले हिंदी गानों पे गुनगुना रहे थे, आपस में बातें बातें कर रहे थे और मस्त मजे ले रहे थे। संजय भाई साहब अभी हमें एक म्यू ट्राइब का रैप गा के सुनाएंगे। गा के नहीं, गाया हुआ है तो हम। अच्छा, तो लिख के रखा ना। अच्छा, आपने खुद ने लिखा था वो? वो घर में रखा लिखा वाला। हाँ हाँ, तो इसमें गा के रिकॉर्ड। अच्छा, भाई ने रिकॉर्ड किया हुआ है तो अब वो आप सुनाने वाले हो। मतलब तुमको, मतलब आपको या तुमको ये होता है ना ज्यादातर, तो को बहुत पसंद करता है हम बोल के बोला ना। अच्छा, काइंड ऑफ लव वाला सॉन्ग है, लव वाला रैप है इसका। ये एक पार्ट तो हो गया, रास्ता में देख के आपको आपको याद करता है। कितना लैंग्वेज जानता है हम? हाँ, काफी जानता है। आप हिंदी जानता है, म्यूर जानता है, मिशमी जानता है, नेपाली जानता है, और कौन कौन सा जानता है? थोड़ा इंग्लिश तो आता, इंग्लिश भी आता होगा थोड़ा थोड़ा तो? थोड़ा थोड़ा चलता है। How are you fine? ये सब। अच्छा। आसेरा भूलगा यो मने कुलो ये लाजूटू। ये एक म्यू ट्राइब का ट्रेडिशनल गाना है जो यहाँ के लोग जब फेस्टिवल आता है ना, लोछर, क्या क्या नाम है? लाचूत। लाचूत के ऊपर गाते हैं, उसी फेस्टिवल के बारे में सॉन्ग है ये। कौन से जगह? तो मजे आ रहे हैं यार आज। मैंने नहीं सोचा था कि आज की रात इस टाइप में होगी। मैं सोचा एक गेस्ट हाउस में सो जाऊंगा या फिर कुछ करूंगा, तो ये अनएक्सपेक्टेड सारी चीजें हो रही है और बहुत मजे भी आ रहे हैं, मस्त वाइल हो गए हैं। थैंक यू भाई यार। और आप थैंक यू कैसे बोलते हैं म्यूर में? चमचू है। चमचू भाई, चमचू, चमचू आ रहे थोड़ा, चमचू, चमचू, चमचू भाई साहब। बाकी आज आज का हमारा खाना रेडी हो गया है भाई, और कुछ बाद में खाएंगे, और हम दोनों को अभी परोस दिया है यहाँ पे खाना। तो बोन अपेटिट। हमारा खाना पीना कंप्लीट हो चुका है और अब हम सोने जा रहे हैं। चलो यार, गुड नाइट भाई। थैंक यू भाई वंस अगेन। यस, हो जाओ। अच्छा, चार्जिंग के लिए किधर होगा? अच्छा, उधर में लगा रखा है। चलो उधर में लगा दूंगा फिर, ठीक है? बैग लेके आता हूँ, बैग में सामान निकालना पड़ेगा। शुभ रात्रि। आप कैसे बोलते हो? स्टेक चिंगी। इधर हमारा भाइयों ने बेड बना दिया है और
कौन से वाला? अरे हाँ ये मेरे वाला है, थैंक यू भाई। गुड मॉर्निंग गाइस, सुबह सुबह उठे हम, सनराइज देखने गए। सनराइज वाला पार्ट आप नेक्स्ट वीडियो में देखोगे क्योंकि वो थोड़ा एक अलग एक्सपीरियंस था। गोम्बो भाई का खेत वो सब दिखाने जा रहा हूँ। अगर मान लो आप इस एरिया में ट्रैवल करना चाहते हो तो मैं गोम्बो भाई और जो एनजी भाई हैं उनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप कॉन्टैक्ट तो नहीं कर पाओगे लेकिन यहाँ से निकलने से पहले मैं आपको एकदम लोकेशन ढंग से समझा दूंगा। तो अगर इस एरिया में आ रहे हो तो डायरेक्टली आप गोम्बो भाई के और एनजी भाई के घर पर पहुँच जाओ। ये नीचे डोंग गाँव रह गया, और उससे आगे कौन सा गाँव है? सबकुंग और डोंग। डोंग असली में ये नहीं है तो ये जो सारथोंग बोलते हैं हम लोग, सारथोंग। अच्छा वो सब वो अलग है, वो डोंग जो वो आगे में है, उधर बस्ती है। बस्ती नहीं है, अभी पहले वहाँ पानी प्रॉब्लम है ना। हाँ तो यहाँ वहाँ छोड़ के इधर आ गया। मैं आपको एक बात बताऊंगा गोम्बो भाई, जब आप अरुणाचली लोग हिंदी बोलते हो ना बड़े प्यारे लगते हो यार। नहीं नहीं प्योर है लेकिन आपका बोलने का लहजा अलग है, डायलेक्ट अलग है आपका। तो अभी आपने खेत में क्या क्या उगा रखा है? मटर 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 मकई लगाया। अच्छा धान कब लगाता है आप? धान यहाँ में नहीं हो पाता है अभी, जैसे कि पानी नहीं है तो। अच्छा तो मसाई खेत में लगाया। जैसे मिश्मी ट्राइब के अंदर ऐसा होता है कि अगर आपको शादी करना है तो लड़की वाले को आपको मिथुन देना पड़ेगा, म्योर लोगों में ऐसा नहीं होता है। नहीं, नहीं, ऐसा नहीं। आप में ज़्यादा पोर्क चलता है शादी के टाइम पे? पोर्क बहुत वो तो चाहिए चाहिए। अच्छा पोर्क इम्पोर्टेंट आपके लिए? वो तो कितने ज़्यादा काट के देना पड़ता है। अच्छा पोर्क हो गया, मुर्गी हो गया। हाँ जो नहीं खाता अलग अलग अलग। मैं आप लोगों में मिथुन कम चलता ही नहीं है बिल्कुल भी? मिथुन मिश्मी लोगों में और आधे लोगों में चलता है। अच्छा ये आपका ही है? तो यहाँ पे खेती करते टाइम दिक्कत तो काफी होता होगा, अगर मान लो आप किससे करते हो, बैल से करते हो या फिर ट्रैक्टर आपके पास छोटा? ट्रैक्टर ही अंदर ही है। अच्छा उधर रह गया आगे डोंग गांव, और ये हैं गोम्बो भाई की खेत। अच्छा पहले डोंग विलेज किधर होता था? ऊपर में वो पुराना बस्ती है, वो डोंग मेन डोंग है वो। वहाँ पे अभी घर मिल जाएंगे क्या? घर है अभी? घर सब टूटा दिया जितना भी था। थोड़ा बहुत तो मिलेगा ना? नहीं अभी डायरेक्ट खत्म ही हो गया घर। तो पानी ऊपर से आता है? पानी है ही नहीं यहाँ में, डायरेक्ट ही नहीं है पानी। अभी जो है थोड़ा टैंकी बना रहे हैं हम लोग पानी पीने के लिए यहाँ पे। अच्छा ये बस इतना काफ़ी है? तीन हो गया। तो फिर जो भी पानी आपकी ज़रूरत होगी वो सब बारिश ही पूरी होती है भाई? डेली जब आप ऐसे फार्म में खेती कर रहे हो और हर तरफ आपके नेक्स्ट लेवल व्यू हो तो मज़े ही आ जाते होंगे। बाकी वालोंग रह गया उधर पास में, ये लगभग 6-7 किलोमीटर रह जाएगा, और काहो रह गया उधर। ये आपका घर है? हाँ। पुराने वाला? अरे हाँ जिसमें लोक लगाया ना। हाँ। उधर एनजी भाई मटर खा रहा है। अच्छा है क्या? अरे बहुत मीठा है मटर है। चलो आते हैं भाई। उधर से एनजी भाई बोल रहे इधर आ जाओ मटर खाने, मस्त है। ये धनिया है? हाँ धनिया भाई। भाई बड़ी सुगंध दे रहा है ये तो। मजा है भाई, मजाक की बात नहीं है। मैं अभी थोड़ा बड़ा चटा के नहीं बोल रहा हूँ मैं। प्लेन में जो हमें धनिया मिलता है ना उसमें इतनी स्मेल नहीं आती है, तगड़ी स्मेल है भाई, तगड़ी एकदम। गांजा पिला दियो जैसे हमका। आहा हमको भी गांजा पिला दिया गया। गांजा ऐसे एकदम इसको बनाओ। ये बहुत छोटा छोटा है ना, डेड लुक के ले, लंबा वाला नहीं लगा। आप लाई पत्ता भी खाते हैं क्या? हाँ, लाई पत्ता अभी सीजन आ, ये मूला लो, ये मूली है क्या? अच्छा ये ट्रैक्टर, ये भाई का मिनी ट्रैक्टर। यहाँ होमस्टे बनेगा तब आप जरूर आना। अरे भाई बनाइए बनाइए यार, ऐसे होमस्टे में तो मजे ही आ जाएंगे। अभी आपके साथ खेती वेती क्या करूंगा? यहाँ में खेती किया पिताजी, हम लोगों ने पत्थर बहुत था ना यहाँ में, तो पत्थर साफ कर दिया क्या? लगभग निकाल दिया, तो इसलिए अभी ट्रैक्टर मारा था पिताजी ने, वो नीचे भी मार दिया। भाई यार होमस्टे बनाओगे ना तो इधर ही बनाना। यार मस्त यार व्यू देखो, वैली है पूरा। तो भाई यहाँ पे होमस्टे बनाने वाले हैं, और आप सोच के देखिए थोड़ा साल का बाद। लेकिन मैं प्रे कर रहा हूँ कि मेरी दुआएं आपके साथ है कि आप मस्त होमस्टे बनाओ, लकड़ी का एकदम पूरा। हाँ, लकड़ी का दो मंजिल बनाना और मस्त तरीके से रहेंगे। आए हाय हाय हाय, एक टावर लगेगा, कहाँ लगेगा टावर यहाँ पे? टावर तो पता नहीं कहाँ लगेगा, लेकिन वो भाई ने देखा था ना वो ऊपर लगेगा, तो नेटवर्क यहाँ आएगा भाई। नहीं यहाँ पे नेटवर्क आ जाएगा, मैं दो तीन मजाक, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ यार, अगर यहाँ पे टावर लग गया तो मैं कम से कम 2 महीने रुक के जाऊँगा, क्योंकि थोड़ा ब्रेक लेना है मेरे को अब।
जरूर आपका यहाँ में यहीं ये लाइन में बनेगा, पिताजी हम दोनों मिलकर बनाएंगे। और यहाँ पे आप रहे मिले? यहाँ में ये तो अभी इसे जस्ट ऐसे बनाए हमने। नहीं बात ये नहीं यार, मेरे को खाना नहीं बनाना है, तो खाना मिलेगा ना मुझे? आप ऐसा मत कर देना कि दादा ये लो अब आप खाना पका के खा लेना, ऐसा नहीं। मेरे से खाना बना लूंगा लेकिन यार मेरे को एकदम फ्री रहना है कि साला कुछ नहीं कर रहा हूँ, बस ऐसे पेट फुला लूंगा, एकदम मोटा होके जाऊंगा यहाँ से। नहीं ऐसे तो क्या करेंगे हम जो आपको खाना वाना नहीं खिलाएंगे तो? भाई है ना, मैं ऐसा करूंगा आप लोगों के साथ खेती क्या करूंगा, थोड़ा थोड़ा आप लोगों के साथ ऊपर जाऊंगा। अरे भाई साहब मस्त है यार। अभी भाइयों ने हमें एक बेरी दिखाई, ऑरेंज बेरी, मस्त है यार। धूप में ज्यादा उगता है? हाँ, नहीं मजा आता है खाने के लिए, मीठा और होता है। थोड़ा थोड़ा खट्टा लग रहा है ज्यादा। कुछ दिन पहले ये रोड बना था लेकिन अभी तक ड्रेन बना नहीं, तो इस कारण से रोड टूटना स्टार्ट हो गया है। क्या हुआ? ये टूटने का रीजन? हाँ पानी है भाई, ड्रेन बनाया नहीं है ना अभी तक। जब तक ड्रेन, पानी अपना रास्ता काट देगा, पानी पत्थर काट देता है, ये तो रोड है यार, पानी को हल्के में मत समझना कभी। बाकी यार कल की भाग दौड़ में मैं आप लोगों को एक भाई से तो इंट्रोड्यूस कराना ही भूल गया, आप मिलिए रोहन भाई से। वाह भाई वाह, नमस्कार। तो रोहन भाई भी अभी नॉर्थ ईस्ट में घूम रहे थे और मैं जब पास, किधर था मैं, तेजू में था ना शायद? हाँ, जब मैं तेजू में था तो रोहन भाई का फोन आता है मेरे पास कि दिवंश भाई कहाँ पे हो। मैं बोला यार मैं तो अभी ऊपर जा रहा हूँ काहो की तरफ। इससे पहले हम एक बार मिले थे राजस्थान, जब मैंने राजस्थान वाले ट्रिप किए थे ना बाइक के ऊपर, याद होगा आपको, वो बाइक खरीदी थी और उसकी अलग स्टोरी है यार। अच्छा क्या प्लान है अभी? अभी इसके बाद हम नॉर्थ ईस्ट करने के बाद म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस करते हुए साइबेरिया तक जाने की सोच रहे हैं। भाई बड़ा मुश्किल होने वाला है अभी कोरोना के बाद, जो प्रॉब्लम्स हुई हैं कंट्री में, वीज़ा मिलना, बॉर्डर क्रॉस करना और खास करके चाइना के अंदर एंटर होना तो मुश्किल हो जाएगा। अगर मान ले, मैं ये कहूँगा कि थोड़ा सा प्लान को शिफ्ट कर दे, दूसरा और कोई प्लान ले ले, क्योंकि अभी कोरोना वाला सीन लग नहीं रहा, क्योंकि एक अभी लग रहा था कि खत्म हो गया है लेकिन चाइना में वापस से कोरोना की वेव आ गई। चाइना में बहुत खतरनाक हालत खराब हो रखी है, मुश्किल हो जाएंगे अब। मुझे लग रहा था कि चाइना ओपन होगा एक दो महीने में लेकिन अब नहीं लग रहा मेरे को ओपन होगा वापस से। अभी एनजी भाई बात कर रहे हैं, अभी बात खत्म हो गया। हो गया क्या? संजय भाई को बात किया था। संजय भाई आ रहे हैं क्या? दुखजी 170 से बोल रहा हूँ यहाँ पर। हमारा यहाँ से थोड़ा मतलब कि बंदा मतलब कि मिलना चाहता है बोल रहा है यहाँ पर। नाम आपको क्या था? दीपांशु भैया मिलना चाहता है बोल रहा है, उसके बाद वालों में मिलेंगे बोल रहे। ओवर बोलो बोलो संजय भाई, हम आ रहे हैं, फिर कहाँ मिलोगे आप? वो नेपाली रेस्टोरेंट में मोमोज खाएं? ठीक है वहीं पे आ जाना दोस्त। ठीक है दादा, फिर वहीं पे मिलते हैं आपसे, ठीक है? थैंक यू भाई, ओवर एंड आउट। ओवर बोलो, ओवर। तो कल रात को हम उधर से आए थे, जो मेन ब्रिज उधर पड़ता है, नीचे हॉट स्प्रिंग है, नदी उधर ही है, हॉट स्प्रिंग में थोड़ा बहुत नाव आके फिर हमें एनजी भाई, संजय भाई और गोमो भाई मिले। और फिर ये है गोमो भाई का घर जिसमें हम कल रात को रुके हुए थे, और ये है दोंग विलेज। जो लोग इंडिया का फर्स्ट सनराइज देखने आते हैं वो इसी गाँव के थ्रू होते हुए, क्योंकि रास्ता इधर से जाता है, जो आप नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हो, इधर से लेके एकदम ऊपर तक सनराइज का पॉइंट है। भाई जो एरिया है ना ये नेक्स्ट लेवल है यार। बाकी एनजी भाई और गोम्बो भाई के जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी मेंशन कर दी हैं, और यहाँ के जो जीपीएस लोकेशन है, जीपीएस कोऑर्डिनेट है, वो भी मैं मेंशन कर दूंगा, ताकि क्योंकि यार यहाँ पे नेटवर्क उतना मिलता नहीं है, और किसी से पूछोगे क्या पता उनको एनजी भाई और गोम्बो भाई के बारे में पता हो ना हो, तो इसीलिए यहाँ पे मैं एकदम जीपीएस कोऑर्डिनेट लगा देता हूँ। अगर मैं वालोंग चला जाता तो वहाँ पे भी मैं होटल में पे करता, तो इससे अच्छा मैंने सोचा कि क्यों ना भाइयों के साथ रुकूँ, तो फिर वो पैसे अब मैं भाइयों को दे दूंगा। ये भाई यहाँ पे गाइड का काम करते हैं, अगर आप यहाँ पे आओगे तो आपको एक गाइड चाहिए होगा ऊपर जाने के लिए, अकेले भी जा सकते हो लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि आप गाइड लेके जाइए। तो बस यार इस वीडियो में इतना ही, शेयर करें इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, और जो अपने इंडिया की रियल ब्यूटी है वो लोगों तक पहुँचाइए कि हाँ यार इंडिया के किसी कोने में जहाँ पे इंडिया का सबसे पहला सनराइज होता है वहाँ की खूबसूरती कैसी है। तो बस मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए, कीप ट्रैवलिंग एंड कीप एंजॉयिंग योर लाइफ। बाय बाय।